हेलो रोहन, सभी का स्वागत है। JSSC की ओर से एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया था 1 मंथ पहले। इसमें जो है डेट दिया गया है, 1 अगस्त से जो है आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जो है वो लास्ट डेट है। और ये वैकेंसी जो है आपका क्षेत्र कार्यकर्ता, यहाँ पे आप देखेंगे इस वैकेंसी का नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। इसका विज्ञापन संख्या 23/2024 है। और इसका जो फॉर्म सबमिट का डेट है, ये मैं ऑफिशियली आपको दिखा देता हूँ कि कब से कब तक जो है आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आज से जो है वो फॉर्म को सबमिट करना स्टार्ट कर दिया गया है आयोग की तरफ से। और आप जो है इस वैकेंसी को, इस फॉर्म फिलअप को कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 1/8 से 31/8 तक आपका फॉर्म सबमिट होंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए आपका 2/9/2023 की 23, यहाँ गलती लग दिया है, 24 होगा कि मध्य रात्रि तक जो है आप फी जमा कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर के लिए जो है आपका 4/9/2024 दिया गया है। तो लेकिन आपको इससे पहले ही कर लेना है, क्योंकि JSSC का जो है वेबसाइट वो कहीं ना कहीं जो है सर्वर डाउन हो जाता है। इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण डेट रखना है और इससे पहले ही, इससे 2-3 दिन पहले ही फॉर्म को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेना है। फॉर्म को भरना कैसे है ये मेरे द्वारा बता दिया जाएगा, ताकि आपके द्वारा कोई गलती ना कर दिया जाए फॉर्म जो है अप्लाई करने में, ठीक है। बाकी इस वैकेंसी में बहुत जो है डिटेल्स अगर जानना है तो मेरे चैनल के माध्यम से इसको बता दिया गया है। आप बेझिझक जो है चैनल में विजिट करके आप इस वैकेंसी को अच्छे ढंग से जान सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद इतना ही है कि स्टार्ट हो गया है आपके फॉर्म अप्लीकेशन सबमिट होना, तो आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। इस वैकेंसी में पदों की संख्या आप देखेंगे तो 510 पद यहाँ पे हैं, और अनारक्षित के लिए 230 पद यहाँ पे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 51 हैं। इसी तरह जितने भी कैटेगरी वाइज सीटें बांटी गई हैं, उस सीटों का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेके इस सीटों को अच्छे ढंग से देख सकते हैं, ठीक है। वेतनमान वगैरह सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता दिया है, आपका समय ज़्यादा बर्बाद मैं करना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद एक सिलेबस जो है मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दूंगा। सबसे पहले पत्र 1 का एग्जामिनेशन होगा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 और 40। इसमें क्वालिफिकेशन मार्क 30% आपको लाना है। पेपर 2 जो है वो आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा, कोई भी लैंग्वेज आप रख सकते हैं एक पेपर, ये मेरिट में जुटेगा। और तीसरा पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर ये रहेगा कि सामान्य अध्ययन 40% रहेंगे, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न 50% रहेंगे, सामान्य गणित से 10% रहेंगे और सामान्य विज्ञान से आपके 20% रहेंगे। और यही एग्जामिनेशन आपका होगा पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, 3 पेपर के एग्जामिनेशन होंगे। पेपर 2 और पेपर 3 से जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा, पेपर 1 जो है वो क्वालिफाई रहेगा आपके लिए। बस इतना ही इस वीडियो में आपको जानने की आवश्यकता है। इससे विशेष जो है सिलेबस का डिटेल्स जो है मैं 1-2 दिन में आपको करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको सिलेबस जो है जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होना है वो अच्छे ढंग से क्लियर हो सके। इस चैनल पर अगर न्यू हो तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।